एसोस जेनफोन मैक्स प्रो M3। हाँ गाइज, ये एसोस का मैक्स प्रो M3 के लिए इतनी वेट हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी नए स्मार्टफोन के बारे में, एसोस के मैक्स प्रो M3 के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी नए स्मार्टफोन के बारे में, तो पूरा वीडियो देखिएगा। जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज का वीडियो, यहाँ पे जो ये एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो M3 होने वाला है, ये एक बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है एसोस की तरफ से। और सबसे पहले बात बात कर बता दूं, ये एसोस मैक्स प्रो M3 होने वाला है, एसोस जेनफोन मैक्स प्रो नहीं, पता है जेनफोन अलग हो चुका है। तो एसोस को जो मैक्स प्रो M3 होने वाला है गाइस, ये एक बहुत बड़ा, सबसे पहले बात कर लेता हूँ तो गाइस इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूँ इस फोन के डिजाइन के बारे में गाइस। यहाँ पे हमें जो है गाइस डिजाइन के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमें मिलने वाले बहुत बढ़िया डिजाइन। हाँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने इस फोटो को, बहुत बढ़िया लुकिंग वाइज देखने में दिख रहा है, ग्लास बॉडी होने वाली है। और ओवरऑल आप बोल सकते हैं इस फोन ना भाई, एसोस का जो फोन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो इसमें हमें डिजाइन बहुत ही बढ़िया देखने मिल जाने वाला है। वहीं बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पे मिलने वाला है 6.5 इंच के फुल एच डी प्लस का डिस्प्ले, और इस बार हमें जो है फुल व्यू डिस्प्ले देखने मिलने वाला है। हाँ गाइस, और एक सुपर एमोलेड पैनल भी होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। तो ओवरऑल आप देखते हैं तो बहुत बढ़िया हमें यहाँ पे एक पैकेज मिल रहा है, और फुल व्यू डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड पैनल है, 6.5 इंच के फुल व्यू डिस्प्ले है, तो बहुत ही बढ़िया मुझे बात लगी। तो डिस्प्ले वाइज ये फोन आपको बहुत अच्छे देखने मिल जाने वाला है। तो अब देखते हैं, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, तो वो मुझे बहुत बढ़िया बात लगी। एंड देन बात करता हूँ उस फोन के यहाँ पे चिपसेट के बारे में गाइज, यहाँ पे मिलने वाले स्नैपड्रैगन का 730G, जो एक आपको खुद ही ओवरऑल पता है बहुत ही बढ़िया चिपसेट है जो स्नैपड्रैगन की तरफ से। तो प्रोसेसर भी आप बोलते हैं तो इस फोन में लाजवाब है, स्नैपड्रैगन 730G। तो चिपसेट, डिस्प्ले, डिज़ाइन नंबर वन है, बहुत अच्छा है। वहीं बात करते हैं इस फोन की कैमराज के बारे में, कैमराज इस फोन में गई हमें जो क्वाड कैमराज का सेटअप मिलने वाला है, जो रियर कैमराज होगा वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा, जो सैमसंग का G वाला सेंसर होने वाला है, तो ये भी ओवरऑल एक बहुत बढ़िया बात है। देन अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर और एक और सेंसर मिलेगा भाई, जो चार कैमरा का नया निकाला ना, तो ये बहुत ज्यादा ही हो गया। मगर एक कैमरा दो, अच्छा दे दो यार, मतलब ऐसी क्वालिटी दो जैसे आईफोन देता है, तो बात अलग हो जाती है। बट क्या करें, कंपनीज ने ऐसा नया सेलिंग का वो निकाला है, चलता है। चार कैमरा होंगे, सेल्फी कैमरा बात करो तो पॉप अप सेल्फी होने वाली है, तो गाइज यहाँ पे मिलने वाली है 32 मेगापिक्सल की पॉप अप सेल्फी। तो पॉप अप सेल्फी में काम चलाओ इस बार आप, 32 मेगापिक्सल की बढ़िया है। वहीं बात करते हैं अब इस फोन की आप बैटरी के बारे में, इस फोन में गाइज हमें मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी, और टाइप सी भी मिलने वाला है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी होगा। तो अब भाई बहुत ही बढ़िया बात मुझे हमें लगी, 5000 mAh की बैटरी, टाइप सी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, देखते हैं इस बार कितनी वोट की चार्जिंग होती है वोट। एंड लेट्स सी, वही बात करते हैं यूआई के बारे में, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, और ये आपको पता है स्टॉक एंड्रॉइड का सतरन करता है, ये सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है इस फोन की, फुल एकदम बहुत बढ़िया यूआई आपको देखने मिल जाने वाला है। ये है पूरा एसोस का मैक्स प्रो M3, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है एसोस की तरफ से, बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड ऑल सब बहुत बढ़िया लगा। अब बात करता हूँ फाइनली प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो इस फोन का लॉन्च डेट की मैं बात करता हूँ, तो ये फोन अभी तक गाइज खबरें नहीं आ रही हैं फोन कब आएगा। अब भाई दिसंबर भी जाने वाला है, तो अब आपने तो देख लिया इतना, इतने दिन हो गए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता अभी इस साल आएगा, अब ये अगले ही साल आपको मिलेगा। मुझे ज़्यादा पर्सनली लगता है फरवरी के मंथ में दो या मार्च के मंथ में, इन दोनों मंथ के बीच में ये फ़ोन आ सकता है। एंड फरवरी में वैसे आते थे भी एसोस के फ़ोन वाले, तो लेट्स सी देखते हैं। तो वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं, बढ़िया फोन होने वाला है, इससे अच्छा रेडमी का नोट 9 प्रो भी आ रहा है, वो भी अच्छा होने वाला है। तो लेट्स सी, अब वहीं पे बात कर लेता हूँ इस के प्राइस के बारे में, इस फोन का प्राइस भी गाइस अंडर 15,000 ही होने वाला है, तो अंडर 15,000 अब देखते हैं। तो रेडमी का नोट 9 प्रो हमें 108 मेगापिक्सल कैमरा दे रहा है, ऑल अदर और अच्छी फीचर्स भी दे रहा है, तो आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में। तो मेरी तो यही ओपिनियन थी इस एसोस के मैक्स प्रो M3 के लेकर, और बस मैं यही बोलूंगा एसोस जैसा अपना फर्स्ट फोन निकाला था एसोस मैक्स प्रो M1, वैसे ही ये थर्ड का निकाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर कमेंट कर बताइए आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर, और वीडियो आप लोगों को पसंद आई यार तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। और एसोस का लास्ट ओपिनियन बोलूँ तो इस फोन मुझे सबसे बढ़िया इस फोन का लगा डिज़ाइन, जैसे आप देख सकते हैं इस फोन का लुक बहुत बढ़िया लगा है डिज़ाइन के मामले में। तो डिज़ाइन वाइज ये फोन अच्छा है और डिस्प्ले भी अच्छा है, तो ओवरऑल ये फोन अच्छा चल सकता है। बस गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।